अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सोहेल कादरी, कुलहीन मंजे इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वार्ड पत्थरगट्टी का कारपेटर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं मैं। आज इराक्लिस कंपनी की जानिब से मदर इंडिया कॉन्सेप्ट नक्का वेंकट राव साहब सी और हमारी पूरी टीम आई है कंपनी की। मैं सबसे पहले नक्का वेंकट राव साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। माँ माँ का अल्फाज ही ऐसा है कि सारी ज़िंदगी अगर हम मेहनत करके माँ के कदमों में रखें तो भी वो कम है। किसी शायर ने खूब कहा है कि मेरी ख्वाहिश ऐसी कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, मेरी ख्वाहिश ऐसी कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ। आज दुनिया में सिर्फ एक हस्ती जो माँ है, जो बगैर किसी लालच से अपनी औलाद की परवरिश करती है। माँ मुश्किलों में रहती है मगर भूखे रहती है, माँ मगर औलाद के लिए पेट भरने की राह हमवार करती है। माँ हमेशा तकलीफ उठाती है अपनी औलाद के लिए, माँ हमेशा दुआ गो रहती है अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए। दुनिया में एक ही चीज़ है माँ, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख दिया है। अगर मैं बहसत एक मुसलमान, अगर मैं अवाम की खिदमत करता हूँ, पांच वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हर वो चीज़ करता हूँ, ये सब चीज़ करने के बाद फिर मैं कोई गुनाह नहीं करना, ये सब चीज़ करने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत मेरे इसके एवज में जन्नत रखा है। मगर अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत करने से माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख डाला है। तो माँ का वो मुकाम है कि आज अल्लाह ताला कुरान करीम में बेशुमार जगह अपनी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी इबादत करो, अल्लाह फरमा रहा है, मगर कुरान करीम में 22 मर्तबा 22 मुकामात पर अल्लाह ताला ने अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की है। तो औलाद, एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबी पूछे, या रसूलल्लाह, अगर मैं मेरी माँ बाप को, माँ को अगर मैं दिन में शफ़क़त भरी निगाह से, मोहब्बत भरी निगाह से अगर नज़र डालता हूँ तो उसके इवस में क्या मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर एक मर्तबा अपनी माँ को मोहब्बत भरी नज़र से देखते हैं तो एक हज का सवाब है। फिर साहबी पूछे, या रसूलल्लाह, अगर मैं दिन में 100 मर्तबा अगर देखता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की रहमत बेशुमार है, बेनियाज रहमत है, तुम अगर 100 मर्तबा अपने माँ बाप को, माँ को शफ़क़त भरी मेहरबानी से अगर नज़र डालेंगे तो तुमको 100 मकबूल हज का सवाब है। तो दुनिया में माँ की हस्ती, उसका नेमुल बदल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंपनी के ज़रिए मैं तमाम मेरे जो लोग मेरी आवाज़ को सुने, अगर आज एक कंपनी की टीम अगर यहाँ पर आई है तो मेरी माँ की जूतियों का तुफैल है। मेरे सामने टीम बैठ के, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हैदराबाद में बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं पैदा होते हैं, क्योंकि ये नक्का वेंकट राव साहब ने अगर टीम को मखसूस लोगों को अगर सेलेक्ट किया है, मंजे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपेटर्स को अगर सेलेक्ट किया है इसमें, तो सिर्फ माँ की दुआएं हैं, उनकी जूतियों का तुफैल है। क्योंकि जब ये टीम अपने घर से या ऑफिस से निकल के अगर यहाँ ऑफिस तक, मेरे घर तक अगर आई है, तो बेशुमार लोग दिखे हैं, मगर वो टीम उनसे इंटरव्यू नहीं ली, उनसे सिर्फ और सिर्फ मखसूस लोगों के पास आई। अगर आज मैं यहाँ पर बैठ के अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का असर है। किसी शायर ने कहा है कि सख्त रास्तों पे आसान ये सफ़र लगता है, मुझको मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, मेरी माँ मुद्दतों से नहीं सोई, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। मैं फिर एक मर्तबा आप तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माँ की हस्ती का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, माँ की खिदमत का, माँ की अजमत का कोई नमल बदल नहीं। तो मैं तमाम सुनने वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माँ की अजमत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला बेशुमार जगहों पे कुरान में भी फरमा दिया 22 मर्तबा वालिदैन के ताल्लुक से। तो मैं तमाम से मैं एक ही गुजारिश करूँगा, अपनी माँ बाप की खिदमत करिए। कुरान में ये भी फरमाया गया है कि उफ़ बोलना नहीं है माँ को, उफ़ बोलना नहीं है, ज़ोर से बात करना तो दूर की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि उफ़ नहीं बोलो, अपनी माँ बाप के ताल्लुक से तुम ज़ोर से बात करना दूर की बात है, उफ़ बोलना नहीं है। तो हम हमारी दीन की, हमारी इस्लाम की तारीख भी यही है, तालीम भी यही है कि माँ की अजमत का ख्याल रखे। आज मदर इंडिया के नाम से जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
इससे शहूर बेदारी होती है। जो लोग अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते, जो लोग माँ की तकालीफ को फरामोश कर देते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कॉन्सेप्ट के ज़रिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने माँ और बाप का ख्याल नहीं रखते, वो लोग ये देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम उनके दिलों में भी माँ की अज़मत में उजागर होगा। मैं एक शेर कहते हुए मैं यहाँ पर अपने एहसासात जज्बात माँ के ताल्लुक़ से जो है मैं रखता हूँ कि पढ़ के देखो किताब हस्ती में, माँ से प्यारा और क्या नाम होगा। पढ़ के देखो किताब हस्ती में, माँ से प्यारा और क्या नाम होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मुकाम क्या होगा, उसके सर का मुकाम क्या होगा। आज अगर नक्का वेंकटराव साहब की कंपनी, उनकी टीम अगर यहाँ आई, तो इसका माँ की, मेरी माँ की दुआओं का असर है। और मैं कुलहिंद मंजे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी नहीं भूलना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मेरे को दोबारा कॉर्पोरेटर बनाया। आप लोग बहसते कॉर्पोरेटर आए हैं, तो उनकी नज़र इनायत भी है, उनके करम फरमाई भी है। मैं फिर एक मरतबा तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो टीम आपकी ये काम कर रही है, मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।